इथर आपको मालूम भी होगा, और हम लोग यहाँ पालन करवा रहे हैं लॉकडाउन को। जो कल से लॉकडाउन को हम लोग और सख्ती से पालन कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण जो फैल रहा है उसमें कमी आ सके। अभी कमी आई है 2-3 दिनों में, और हम लोग कल से रिक्शा टेम्पू और मोटरसाइकिल जो अनचले लड़के हैं, जो परिवार को भी धोखा दे रहे हैं और दवा का बहाना बना करके यत्र तत्र घूमते रहते हैं जिससे संक्रमण फैल रहा है, उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई कल से करेंगे। सघन जांच और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कल से हम लोग पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। सर, खास करके मंडी में सर काफ़ी भीड़ रहता है, वहाँ कंट्रोल नहीं हो? मंडी को भी हम लोग अब व्यवस्थित करेंगे, देख ले रहे हैं अभी कमा है, उसका प्रभाव हम लोग दूध को मंडी शिफ्ट किए हैं और उस पर भी हम लोग निगाह कर रहे हैं। इस दिनों में रमज़ान लेकर के अत्यधिक भीड़ होती थी, और पर्व के लेकर के लोग हर एक व्यक्ति पर्व का बहाना बना रहे थे, वह भी समाप्त हो गया है। तो कल हम लोग शादी का जो था वह भी समाप्त लगभग हो गया, तो अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा सख्ती करेंगे और लॉकडाउन का पालन कराएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आम नागरिक को फायदा हो।